इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मित्रों माताओं, कर्म फल आवे ही नहीं बुरा, इसलिए कर्म के प्रति सावधान रहना है, वर्तमान को ठीक रखना है, भविष्य की चिंता करनी नहीं है, क्योंकि भविष्य भी आगे का वर्तमान होगा। कर्म को ठीक रखना है। अब माता जी से तो माया के आवरण से, प्रभाव से भूल गलती जो कहिए हो ही गई, तो माता जी बोलना चाहती थी सही सही, परंतु कर्म बिगड़ा है तो फल भी बैठ गया आकर सिर में, और माया ने प्रेरित करके प्रेरी सती जयी झूठ कहा। क्या कहवाया? बोली कछु न परीक्षा लेने गोसाई कीने प्रणाम तुम्हारे वो धर ध्याना सली जो कीन चरित सब भगवान स्मरण से निर्णय ऐसा बनाया, इस शरीर में पति पत्नी स्वरूप से सती जी से हमारी भेंट न होगी। आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की। भगवान नाम स्मरण करते पुराण इतिहास की कथा सुनाते हुए बाबा लेकर मां को कैलाश आए। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके भगवान के पावन नाम में डूबते चले गए और बाबा 87,000 वर्ष तक समाधि अवस्था में बैठे रहे। सती माँ को अपने अपराध का बोध हुआ। बस यही सावधान रहना है, अपराध करके बोध हो इससे अच्छा है अपराध करने जा रहे हो तब ही बोध हो जाए। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित यन हित अपना, जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना, सहज में छूटे ना। इतनी देवो हवा गुबारा, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुबारा फूटे, घर हो द्वार हो व्यापार हो व्यवहार हो सब जगह कर्म से सावधान रहना है। कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए, कर्म बिगड़ा फल भोगना पड़ेगा।
अरे कोई लक्ष्य करके आखेट किया था क्या? तातश्री, बापश्री, ब्रह्म के पिता प्रातस्मरणी पूज्य चक्रवर्ती महाराज ने लक्ष्य करके आखेट किया था? नहीं, शब्द वेदी यह सोचकर चला दिए हाथी जा रहा है, ले हो गया। क्षमा मांगते रहे। देखो, कर्म बन गया तो क्षमा से कुछ नहीं होगा। ये प्रकृति जड़ है साहब, माफ नहीं करती है प्रकृति, किसी को माफ नहीं करती। भगवान सजा नहीं देते, प्रकृति क्षमा नहीं करती। इसलिए कर्म बने नहीं बुरे कि फल खाना पड़े, कर्म तो भैया सुंदर बने, कर्म अच्छे बने, धर्म सम्मत बने, समन्वित बने। सती जी बहुत बाती क्षमा याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे भगवान कृपा करिए, ऐसा हो वैसा हो। क्या हुआ सती अम्बा के साथ? और बाबा समाधि से वापस आकर के कथा कैसे सुनाते हैं? इन भावों का स्मरण हम लोग कल करेंगे। कल की कथा में रविवार है ना, कल रविवार है, इसलिए भगवान शिव का पावन विवाह महोत्सव और श्री ठाकुर जी का पावन जन्मोत्सव, दोनों प्रसंग हम लोग कल ही प्रणाम करेंगे। सजावट तो वैसी है मानो आज ही जन्मोत्सव करना है, लेकिन कल दोनों उत्सव करेंगे। भैया लोगों को, बाबू जी को, हमारे पूज्य महापुरुष लोग कृपा किए, सबको मेरा बहुत बहुत वंदन है, आशीर्वाद है। जो श्रोता समाज हैं सबको बहुत बहुत, आप सब आए, आज आनंद हुआ। कल हम लोग पुनः मिलते हैं, ठीक। समय क्या रहेगा कल से अशोक बाबू? 2 से 5 बहुत जल्दी हो जाएगा बाबू जी। हाँ छोटे साहब, समय क्या रखना है? 2 से 5, 2:30 से 5:30, ये समय ठीक रहेगा। थोड़ा सा आते जाते भी, घर में काम बहुत रहता है लोगों को। भैया आप लोग 2 बजे विश्राम में, 2 बजे आ जाएंगे और हम भी आ जाएंगे। परसों से रिकॉर्डिंग करेंगे मेरे कक्ष में। आइए, सबको बहुत बहुत साधुवाद। हरे रामा रामा राम सीता, हरे रामा रामा राम सीता राम, सीता राम राम ठीक है।
हरिओं जगेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याय सन्ति देवा सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाभ्ये पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्प विरलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।